नए पैटर्न में कुछ नए क्वेश्चन एग्जामिनेशन में शामिल कर रहे हैं। उसी पैटर्न में से एक ऐसा क्वेश्चन जो हर एग्जामिनेशन में वर्तमान में पूछा जा रहा है, तो इस पैटर्न को देखिएगा। टाइम एंड वर्क सेक्शन से क्या है, ए और बी किसी कार्य को 1.2 डे में कर सकते हैं। यदि ए अकेला आधा कार्य करे और शेष कार्य को बी करे तो 2.5 डे लगता है, 2.5 डे लगता है। यदि बी ए की तुलना में अधिक कुशल हो तो बी अकेला कार्य को कितने दिन में करे। देखिए विद्यार्थीगण, बहुत एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछा है, विद्यार्थी लोग को बड़ा परेशान किया है। तो इसका बनाने का बस यही मेथड है कि आप थोड़ा सा इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन हो जाती है, इक्वेशन पर ही जाकर ये बनता है। तो थोड़ा सा देखिएगा इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देख रहे हैं कि ए और बी एक साथ मिलकर करता है, तो ए और बी एक साथ करता है तो हम लोग सपोज कर लेते हैं कि ए को इस कार्य को एक्स डे में करता है और बी मान लेते हैं कि वाई डे में करता है, ठीक है ना। तो अब कह रहे हैं कि ए और बी एक साथ मिल रहा है, तो एक साथ करता है तो क्या सीखें कि 1/x पार्ट लिख रहते हैं और ये 1/y, ठीक ना। और ये एक साथ मिलकर कितना दिन में करता है, तो 1.1/1.2 हो जाएगा, इतना दिन में करता है। हम जानते हैं विद्यार्थीगण कि जब भी कार्य टाइम एंड वर्क में हम लोग कार्य को ऐड करते हैं तो वो हमेशा फ्रैक्शनल पार्ट में ऐड होता है, पार्ट के रूप में ऐड होता है। अब यहाँ से यदि हम लोग इसको फ्रैक्शनल वैल्यू लिखें तो नीचे में हो जाएगा 6, ऊपर हो जाएगा 5, यानी इसको हम लिख सकते हैं 5/5 क्या लिख सकते हैं 6। अब यहाँ से जब इसको हल करेंगे तो आप ऐसे करेंगे, भिन्न का जोड़ करेंगे तो आप इधर y हो जाएगा, इधर x हो जाएगा, 6 इधर आएगा। तो हम लोग ऐसे ही लिख सकते हैं कि 6y भिन्न का जोड़ हो रहा है, 6 इधर आ जाएगा और प्लस हो जाएगा विद्यार्थीगण 6x और बराबर 5xy, यहाँ का जो एलसीएम xy हुआ होगा वो उधर गया। ये इक्वेशन नंबर आपका फर्स्ट। उसी प्रकार से एक पहला पार्ट लिख दिए, दूसरा पार्ट में क्या है कि ए अकेला आधा काम करे, मीन्स ए आधा कर ले रहा है। तो इसका अर्थ हुआ कि जब ए आधा कर रहा है तो बी के लिए आधा बचा, तो हम कह सकते हैं कि x/2 दैट मीन्स कि ए के लिए आधा काम करे, y/2 बी के लिए आधा कार्य करे, तो कितना विद्यार्थीगण लगता है 2.5 दिन। यानी विद्यार्थीगण क्या हो जाएगा, इसको हम लोग जो फ्रैक्शन पर 2.5 दिन नीचे लिखेंगे तो 2.5, समझने का प्रयास करिएगा 2.5 तो उल्टा हो जाएगा, तो 2.5, ये आपका ऐसा हो जाएगा। अब हम लोग देख रहे हैं विद्यार्थीगण कि ये कट जाएगा नीचे से। अब वहां से हम लोग जब यहाँ से x का मान निकालेंगे तो x बराबर 5 माइनस क्या हो जाएगा y, क्लियर है। तो यहां से हम लोग निकाल देते हैं, अब देखिएगा यदि हम मान लेते हैं इसको ऊपर लगे इसका x का मान इसे हम पुट कर रहे हैं ना, x का मान इसे जब हम लोग इस इक्वेशन में x का मान हम लोग पुट करेंगे तो क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। जैसे कि ये 6 का 6 हो गया, y का y हो जाएगा और प्लस ये 6 और x का मान मेरे को पता चल गया है कि 5 और माइनस हो जाएगा विद्यार्थीगण y और बराबर यहाँ पर हो जाएगा 5 और ये आपका x का मान y हो जाएगा, x का मान 5 और माइनस y हो जाएगा, क्लियर है। अब यदि आप इसे हल करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे 6y और प्लस विद्यार्थीगण 30 और माइनस 6y और बराबर इसमें गुना होगा तो 50 25y और माइनस हो जाएगा 5y2। आप ये देख रहे हैं कि दोनों कट जाएगा, अब ये दोनों कट जा रहे हैं तो यहाँ पर बच क्या रहा है 30 = ये हो जाएगा 25y माइनस 5y, ये आपका इक्वेशन मिला। इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए विद्यार्थीगण, मेरे पास ऑप्शन क्या क्या है, मेरे पास ऑप्शन है 2.5, ये और ये। तो हम ये कह सकते हैं, इसको हल भी कर सकते हैं, लेकिन उतना झंझट मत जाइए। ऐसे देखिए यदि हम मान लेते हैं विद्यार्थीगण यहाँ 2 रखते हैं, गौर कीजिएगा 2 रखते हैं, तो 2 रखते हैं तो यहाँ पर 2, तो 2 रखेंगे तो 50, यहाँ पर 2 रखेंगे तो 4 4 20, यानी 50 में से 20 गया 30, दैट मींस कि इनमें से ये ना ही ये मेरा रिप्रेजेंट कर रहा है 2.5, यानी उत्तर हो जाएगा 2। हम जानते हैं ये भी चीज, यहाँ बोलिए सर इसको 2-3 भी सेटिस्फाइड करेगा, जब 3 रखिएगा तो देखिए क्या होगा, 3 रखिएगा तो ये हो जाएगा 75 75
और 3 रखिएगा 9 और 25 घट जाएगा तो ये भी आ जाएगा 3 पर भी। तो होगा क्या विद्यार्थीगण, हम लोग यहाँ क्वेश्चन में ये कह रहा है बी की कार्य क्षमता अधिक होते, जो जिसका क्षमता अधिक होता है ना, हालांकि 3 ऑप्शन में नहीं है तो हम लोग 2 मार्क नहीं, लेकिन यदि ऑप्शन में 3 भी रहता तो याद रखिएगा जिसका क्षमता अधिक होता है वो कार्य करने में कम समय लेता है। क्लियर है, ये पहला क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे प्रश्न विद्यार्थी लोग अक्सर छोड़ के आते हैं और अभी प्रीवियस क्वेश्चन में ये अक्सर आपसे पूछा जा रहा है। आइए विद्यार्थी के एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आइए विद्यार्थी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं, देखा जाए क्या दिया गया है प्रीवियस क्वेश्चन। यदि एक्स एक कार का 25% एक दिन में करता है और वाई उसी कार के 12.5% एक दिन में पूरा करता है तो वे दोनों एक साथ मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए विद्यार्थीगण, प्रीवियस क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी लगातार क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा जा रहा है तो नए पैटर्न के क्वेश्चन को समझने का प्रयास करिए। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, एक्स एक कार का 25%, तो वी नो दैट विद्यार्थीगण की 25% काम एक्स जो है 1 डे में कर रहा है, इस बात को समझिएगा। तो हम कह सकते हैं कि अच्छा 25% एक तो 100% टोटल वर्क होता है, याद रखिएगा परसेंटेज मैथमेटिक्स में आप लोग जानते होंगे कि 100% मीन्स टोटल होता है, तो हम जान गए कि 100% मीन्स टोटल होता है, तो इसका अर्थ है कि जब 25% 1 डे में तो 100% कितना है, तो हम कह सकते हैं कि एक्स सर 100% यदि काम करेगा दैट मीन्स की पूरा काम करेगा तो इसको लगेगा 100% दैट मीन्स की पूरा, तो इसमें हम 4 से गुना किए तो हमको लग गया कि 4 दिन, यानी एक्स यदि पूरा काम करता तो 4 दिन लगता। उसी प्रकार से हम ऐसे इसके लिए कर सकते हैं कि वाई 12.5% काम को 12.5% काम को वाई जो है कितना दिन में करता है, 1 दिन में करता है, तो 12.5% काम को 1 दिन में करता है दैट मीन्स कि 100% पूरा होता है, तो 100% करने के लिए इसमें 8 से गुना, तो हम कह सकते हैं कि 100% दैट मीन्स 8 से गुना कर रहे हैं तो 100% 8 दिन में, यानी अब हम ये कह सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, अब हम कह सकते हैं कि यदि x अकेला काम करता तो 4 दिन लेता पूरा काम करने में और y अकेला करता था, जब दोनों अकेला अकेला करता तो x प्लस y कितना दिन में, हम ऐसे भी जानते हैं कि दो व्यक्ति जब मिलकर करते हैं तो दोनों का गुना ऊपर और दोनों का जोड़ नीचे, तो जोड़ हो जाएगा 8 4 12, 4 से कट जाएगा 3 बार में तो 8/3, यानी हम कह सकते हैं 8/3, इसको हम लिख सकते हैं 3 × 2 = 6 हो गया और 2 तो ये हो जाएगा आपका 6 7 नंबर है, ठीक है, मस्ट 2.67 में, क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं। और एक क्वेश्चन देखते हैं विद्यार्थी का नए पैटर्न में, देखा जाए एक क्वेश्चन है ए और बी किसी कार्य को 28 दिन में करते हैं, तो यहाँ पर हमको पता है कि ए और बी यदि करेंगे कितने दिन में, 28 दिन में, उसके बाद कहा कि बी और सी करेंगे तो ये बी एंड सी, बी और सी करेंगे कितने दिन में, 35 दिन में, 35 दिन में, उसके बाद कह रहा है कि सी और ए करेंगे 42 दिन में, सी और प्लस ए जो करेंगे 42 डेज में। तो देखिए विद्यार्थी गण, जब हम टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन को बनाते हैं तो हम लोग देख रहे हैं कि ए बी 28 दिन, बी सी, तो हम यहाँ से सबसे पहले क्वांटिटी ऑफ वर्क निकालते हैं, ये क्वांटिटी ऑफ टोटल का एलसीएम होता है, तो जब टोटल का एलसीएम हम देख रहे हैं कि 7 का गुणज है और 7 का गुणज 28 से कटने वाला तो हमारा आ जाएगा 420 एलसीएम। अब इससे हम लोग देंगे 28 से, तो 28 से भाग देंगे तो 28 × 1 = 28 15 बार लग जाएगा, ये एफिशिएंसी इसका 15 निकल गया दोनों का, जब 35 से भाग देंगे तो 1 × 35 और 2 12 बार में लग जाएगा, और 42 से देंगे तो आपका हो जाएगा 10 बार में, तो ये इनका क्षमता हो गया। जैसे क्षमता हम लोग देख रहे हैं तो आप ये चीज गौर करेंगे कि यहाँ पर जब क्षमता सबका क्षमता आ गया इफिशियंसी, तो 2 × a, 2 × b, 2 × c, तो हम कह सकते हैं कि दैट ट्वाइस या a प्लस b प्लस c दैट ट्वाइस हो जाएगा, और इधर जब हम लोग विद्यार्थी ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना 7 और ये 30, क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं। अब देखेंगे विद्यार्थी कण, यदि हम लोग को ये 2 इधर आ जाएगा तो ये भागा चला जाएगा, तो इसलिए हम लिख सकते हैं ए प्लस विद्यार्थी कण बी प्लस विद्यार्थी कण सी बराबर ये 37/2, क्लियर है।
अब हमको क्या कह रहा है, किसके अकेले बोल रहा है हमसे, हमसे बोला जा रहा है, तो बताइए सी अकेला के, सी के लिए निकालने के लिए हमको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा कि सी कब निकलेगा, जब हम ए बी को हटा देंगे, तो ए बी का क्षमता मेरा क्या है 15, तो 15 यहाँ पर रखते हैं, तो सी का क्षमता तो ये 37 और बाई 2 और माइनस कर देंगे 15 दूनी 30, तो यानी सी का क्षमता हमारा घट जाएगा, सी का 30 तो ये 7/2 30, सी का क्षमता मेरा निकल जाएगा 7/2, समझ में आ रहा होगा यहाँ तक, सी का क्षमता 7/2 हो जाएगा, सी का क्षमता यहाँ पर देखा जाए, सी का क्षमता यहाँ पर हो जाएगा, सी का क्षमता 7/2, तो सी पूरा काम को कितना था, सी करेगा तो 420 और सी का क्षमता 7/2, तो ये सब से कटेगा तो 42 और 2 ऊपर में, तो सी करेगा टोटल 120, 120 दिन।